बालू टेंडर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले के तहत 10 हेक्टेयर से 49 हेक्टेयर तक के बालू घाटों का टेंडर जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे और 50 हेक्टेयर से ऊपर के घाटों का टेंडर जेएसएमडीसी करेगा। 31 मार्च तक जिला पदाधिकारियों की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो बालू सस्ता हो सकता है। खनन विभाग ने बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले के तहत बालू घाटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी 10 हेक्टेयर के छोटे बालू घाट, दूसरी कैटेगरी में 50 हेक्टेयर और छोटी सी कैटेगरी में 50 से ऊपर के बड़े बालू घाट होंगे। पहली छोटी कैटेगरी का टेंडर और निगरानी जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी करेंगे, उसके बाद का टेंडर और निगरानी जेएसएमडीसी के जिम्मे होगा। लिमिटेड टेंडर होगा, जो वित्तीय निविदा होगी वो चूंकि जेएसएमडीसी में यह समय ज़्यादा लगता है, तो ये सभी जिला के संबंधित उपायुक्त इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत निर्देश दिया गया है। निदेशक अमित कुमार ने तमाम जिलाधिकारियों को 31 मार्च तक तमाम प्रक्रिया पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है। 10 दिन के अंदर एमडी ओ के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी और इसके साथ ही छोटे घाट पंचायत स्तर से पूर्व की तरह संचालित हो सकेंगे। बालू सस्ता उपलब्ध हो, लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि कालाबाजारी और माफिया तत्व इस प्रक्रिया से दूर रहे। घाटों का संचालन प्रारंभ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इसे यथाशीघ्र किया जा सके सो दैट कि राज्य में सभी लोगों को बालू सुगम तरीके से जो उचित दर निर्धारित है उस पर मिल सके, उस मंशा के साथ इस काम को जल्दी से संपादित हो, इसलिए निर्णय लिया गया। विधानसभा में बालू घाटों का मुद्दा विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया है और यह बात भी सही है कि बालू खनन प्रक्रिया माफिया तत्वों के हाथों में पहुंच गई है। बालू महंगा हो गया है, गद्दी संभालते ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि बालू मुफ्त हो जाए वह इसकी कोशिश करेंगे। बहरहाल मुफ्त न सही, बालू सस्ता जरूर हो गया है, सुलभ हो जाए इतना ही जनता के लिए काफी होगा। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।